I can't. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये वार्निंग दे देता हूँ कि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो कि आपको विचलित कर सकते हैं तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना मूवी शुरू होती है वर्जिनिया से जहाँ पर पुलिस वाले एक घर में आए हुए थे जो कि एक क्राइम सीन था पुलिस वालों को वहाँ पर एक आदमी और एक औरत मरे हुए मिले थे बुरके नाम का एक पुलिस ऑफिसर बेसमेंट पे जाता है जहाँ पर उसे एक औरत की डेथ बॉडी मिलती है और वो औरत पूरी तरीके से नकेट थी उस औरत का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था और न ही उसकी बॉडी पर किसी घाव के निशान थे और उस घर के अंदर किसी बाहर वाले के घुसने का कोई भी सबूत नहीं मिलता है उस औरत के पास से कोई भी आइडेंटिफिकेशन जैसे कि पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आई कार्ड कुछ नहीं मिलता है तो इसीलिए वे उसे जैन नाम दे देते हैं अब उस टाउन के सरकारी ऑटोपसी ऑफिस में टॉमी और उसके बेटे ऑस्टिन को दिखाया जाता है जो कि एक डेथ बॉडी पर पोस्टमार्टम यानी कि उसकी ऑटोप्सी कर रहे थे ऑस्टिन इस काम में नया था तो उसके पिता टॉमी उसे सिखा भी रहे थे और वो उसे सिखाते-सिखाते कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा था ऑस्टिन कुछ सवालों का गलत जवाब दे देता है तो टॉमी उसे सही करता है टॉमी फिर अपने बेटे से उसके रात के प्लान के बारे में पूछता है और ऑस्टिन रात को अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ में घूमने जाने वाला था और टॉमी उसे उस रूम को साफ करके जाने को कहता है वो फिर पोस्टमार्टम की हुई डेथ बॉडीज को उस मार्ग में रखता है और सब कुछ साफ करके वो जाने ही वाला था और तभी उसके फादर की कैट एक चूहा उठाकर लेकर आ गई थी और तभी वहां पर एमा एमा आकर उसे डरा देती है एमा फिर ऑस्टिन से यह जिद करने लगती है कि उसे डेथ बॉडीज को देखना है ऑस्टिन उसे मना करता है क्योंकि उसके फादर को इन सबसे छेड़खानी करना नहीं पसंद था एमा फिर भी नहीं मानती है तो ऑस्टिन उसे ऑटोप्सी रूम में ले जाकर वहां पर उसे कोई भी एक बॉक्स को चुनने को कहता है और वो उसी बॉक्स की डेथ बॉडी उसे निकाल कर दिखाएगा एमा एक डेथ बॉडी चुनती है और डेथ बॉडी के पैर पर एक बॉल बंदी हुई थी एमा फिर इस बॉल के बारे में टॉमी से पूछती है तो टॉमी के मुताबिक पुराने जमाने में पूर्वज डेथ बॉडी के पैरों पर बॉल बांध देते थे ताकि उन्हें ये पता हो कि यह डेथ बॉडी है कि वो आदमी मर गया है वो हिल तो नहीं रहा है उसी टाइम से आज तक ये प्रथा चली आ रही थी एमा फिर कुछ और क्वेश्चन पूछती है और टॉमी उन सबके अच्छे से जवाब देता है उसके बाद में एमा और ऑस्टिन अपने डेट के लिए जाने वाले थे और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला जेन डो का पोस्टमार्टम करवाने के लिए आता है एमा को ऑस्टिन 11 बजे मिलने को कहता है क्योंकि वो अपने डेट को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था एमा को इस बात से थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है उन पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुबह तक चाहिए थी तो वो उन दोनों को काम पर लगा देते हैं ऑस्टिन एक कैमरा को ऑन करता है और टॉमी ऑटोपसी की एक एक बात ऑस्टिन को सिखाने लगता है टॉमी जेन डोकी आंखें खोलकर देखता है और उसकी आंखें ग्रे कलर की हो गई थी और ऐसा तभी होता है जब डेथ बॉडी कई दिन पहले मरी हो जेन की हाथ की कलाई टूट चुकी थी पर उसकी स्किन के ऊपर कोई भी निशान नहीं थे जिससे की हड्डी टूटी हो और दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि बॉडी पर कहीं भी कोई निशान नहीं था लेकिन उस बॉडी के नाखूनों में काली मिट्टी भरी हुई थी और ऐसी काली मिट्टी सिर्फ नॉर्थ के साइड में ही मिलती है जेंडो का जब मुंह खोला जाता है तो उसके जीप को काट लिया गया था टॉमी और ऑस्टिन को यह लगता है कि शायद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होगा जेंडो के कई सारे दांत भी मिसिंग थे उन्हें एक धागा उसके मुंह के अंदर से मिलता है और उसके प्राइवेट पार्ट में भी कई सारे कट लगे हुए थे जिसके बाद में दोनों उसके हार्ट और लंग्स का इंटरनल एग्जामिनेशन करने वाले थे कि तभी वहां पर अचानक से रेडियो में गाना बज जाता है ओपन अप योर हार्ट जो कि बहुत अजीब था लेकिन दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं फिर वो जेंडो की स्किन को काटकर अंदर के पार्ट्स को देखने लगते हैं पर अंदर का पार्ट देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा नहीं मरी है ऑस्टिन फ्रिज के 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 पास जाता है पहले डेथ बॉडी ऑर्गन बिखरे पड़ हुए थे ऑस्टिन सब कुछ ठीक करने लगता है और टॉमी को दिखाता है टॉमी को फिर दिखता है की उसकी बॉडी के लंग्स पूरी तरीके से काले पड़ हुए थे जैसे की उसे थर्ड डिग्री बन किया हो सीधी भाषा में कहूँ तो उसे किसी ने जलाया हो जेन का हार्ट भी अंदर से कटा हुआ था और टॉमी के मुताबिक मरने से पहले जेन डो ने बहुत दर्द सहा होगा फिर अचानक कुछ आवाजें आती है और ऑस्टिन रूम के बाहर देखने जाता है उसे ऐसा लगता है कि कॉरिडोर में कोई खड़ा हुआ है और वो देखने के लिए आगे बढ़ता है इधर दूसरी तरफ बॉडी को एग्जामिन करते समय टॉमी का हाथ कट जाता है और उसका खून जेन की बॉडी पर लग गया था इस तरफ ऑस्टिन टूल के ऊपर चढ़कर वहां देख रहा था और फिर कुछ हिलता हुआ देखते ही वो उस टूल से गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर टॉमी भी वहाँ पर आ जाता है और तभी वो देखते हैं कि उनकी कैट स्टैनली बुरी तरीके से मर गई है टॉमी को अपने कैट की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर भी दोनों जेन की बॉडी का बाकी का पोस्टमार्टम करने में लग गए थे जेन के पेट के अंदर से उनको एक फूल भी मिलता है और टॉमी उस फूल के बारे में किताबों में ढूंढने लगता है उस फूल का नाम वीट था जिससे की पूरी फिर अपने फादर से बाकी की ऑटोपसी सुबह करने को कहता है लेकिन टॉमी को पूरी ऑटोपसी अभी करना थी कुछ देर के बाद में टॉमी को जेन के पेट में से एक कपड़े में लिपटा हुआ उसका एक मिसिंग दांत मिलता है और उस कपड़े पे रोमन लेटर और कुछ सिंबल भी बने हुए थे उस कपड़े को जेन के पेट के एसिड से पिघल जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस बात से ऑस्टिन और टॉमी दोनों हैरान थे टॉमी इस नतीजे पर पहुंचता है कि जेन को ह्यूमन सेक्रीफाइस किया गया होगा और तभी रेडियो पे बार बार अजीब तरह के गाने बज रहे थे ऑस्टिन को इस बात से अजीब लगता है और वो अपने फादर को घर चलने को कह रहा था पर टॉमी को जेन की अटोपसी पूरी करना थी उसके बाद ही टॉमी को जेन के चमड़ी के अंदर वही सिंबल और रोमन लेटर लिखे हुए दिखाई देते हैं जो कि उस कपड़े पर लिखे थे जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्यूँकी आखिर कोई कैसे किसी की स्किन के अंदर लिख सकता है तभी रूम की सारी लाइटें ब्लास्ट हो जाती है और अंधेरा हो जाता है ऑस्टिन जब टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर बाकी की डेथ बॉडीज भी गायब हो गई थी वो ऑस्टिन को लेकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वहाँ का एलिवेटर काम ही नहीं कर रहा था और बाकी के एग्जिट डोर्स भी खुल नहीं रहे थे उनके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था और मदद के लिए किसी को भी नहीं बुला सकते थे दोनों फिर से ऑटोपसी रूम में जाकर वहाँ के लैंडलाइन को यूज करके मदद लाने की सोचते है और दोनों को कॉरिडोर में कुछ अजीब दिखाई देता है वो दोनों ऑटोपसी रूम में दौड़कर आकर डोर को बंद कर लेते हैं और टॉमी पुलिस को फोन लगाता है पर पुलिस ऑफिसर बुरके उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था दोनों को ही बहुत ही डर लग रहा था और तभी उनको दिखाई देता है कि एक डेथ बॉडी उनके रूम का डोर खोलने वाला था लेकिन वो दोनों एक अलमारी को डोर पर रख कर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं उसके बाद में टॉमी खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में जाता है तभी ऑस्टिन कहता है कि उनको यहाँ से जल्दी निकल देना चाहिए और तभी टॉमी को कोई एंटिटी बाथरूम के अंदर खींचकर उसके पूरे शरीर पर जख्म दे देती है ऑस्टिन बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था पर किसी तरह से वो टॉमी को बाहर निकाल लेता है दोनों को ये यकीन हो गया था कि सब कुछ जेन डो ही कर रही है फिर पूरी बात पता लगाने के लिए वो दोनों फिर से ऑटोपसी रूम में जाते हैं वो दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं कि जो कुछ भी जेन डो के इंटरनल बॉडी के पार्ट्स उन्होंने निकाले थे उन बॉडी के पार्ट्स में अब सड़न लगना चालू हो गई थी दोनों फिर जेन की बॉडी को जलाने के लिए क्रिमेटोरियम रूम में ले जाने की सोचते है लेकिन क्रिमेटोरियम का डोर लॉक हो जाता है ऑस्टिन गुस्से में कुड़ी लेकर वहाँ पर मारता है पर वो देखते हैं की एक डेथ बॉडी बाहर आकर उनको देख रही थी ऑस्टिन जेन की बॉडी पर केरोसिन डाल है और टॉमी आग लगा देता है पर आग पूरे रूम में फैल गई थी और ऑस्टिन जल्दी से आग बुझा देता है दोनों देखते हैं कि आग से जेन की बॉडी जरा सी भी नहीं जली थी फिर अचानक दोनों को एलिवेटर चलने की आवाज आती है और वो दोनों उस तरफ चले जाते हैं वो दोनों एलिवेटर के अंदर घुसते हैं पर डोर बंद नहीं हो रहा था और तभी उनको कुछ नजर आता है तो ऑस्टिन उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है तभी उसे किसी के दर्द में कराने की आवाज सुनाई देती है जब वे देखते हैं, तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा थी जो कि ऑस्टिन को डेट पर ले जाने के लिए आई हुई थी और गलती से ऑस्टिन ने उसे ही मार डाला था एमा की मौत पर ऑस्टिन बहुत ज्यादा रोता है और दुखी था और टॉमी उसे अंदर लाता है क्योंकि एलिवेटर फिर से चलने लग गया था लेकिन आधे रास्ते में ही एलिवेटर फिर से रुक जाता है टॉमी ऑस्टिन को संभालता है और बताता है कि उसकी माँ की मौत के समय भी वो ऐसे ही रोया था लेकिन ऐसे समय में उसे खुद को संभालना होगा ऑस्टिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि जेन ने उनको अभी तक मारा क्यों नहीं है और टॉमी के मुताबिक जेन ये चाहती थी कि वे लोग उसका सच पता लगाएं और इसीलिए उन्हें फिर से ऑटोप्सी रूम में जाना चाहिए दोनों फिर से ऑटोप्सी रूम में जाते हैं और कॉरिडोर में उन्हें क्रिमेटोरियम से धुआं आता हुआ दिखाई देता है तभी कोई अनजान शक्ति टॉमी पर हमला कर देती है और ऑस्टिन किसी तरह से टॉमी को ऑटोप्सी रूम में लाता है फिर दोनों जेन के ब्रेन सेल्स को एग्जामिन करते हैं और जेन का ब्रेन अभी भी एक्टिव था जिसे देख दोनों इस बात से हैरान रह गए थे की किसी के मरने के बाद भी उसका दिमाग कैसे चल सकता है दोनों फिर ऐसी उस कपड़े के टुकड़े के रोमन लेटर्स को पढ़ने लगते हैं उन्हें यह पता लगता है कि सिक्सटीन के समय पर सलेम विच ट्रायल हुआ था जहाँ पे किसी निर्दोष लड़की को भी विच यानी कि बताकर सजा दे दी जाती थी और वो निर्दोष अपना बदला चाहती थी उन्होंने जितना ज्यादा दर्द सहा था वो उतना दर्द इंसान को जिंदा रहते समय देना चाहती थी और वो अपना बदला कभी नहीं रोकेगी अब टॉमी जेन के पास आकर कहता है कि वो उसे सजा दे दे और उसके बेटे को जाने दे और ऐसा कहते ही उसके तुरंत बाद टॉमी का हाथ और कलाई खुद ब खुद टूटने लगते हैं और वो तड़पते हुए रही थी। वैसे वैसे जेन ताकि रिचुअल खत्म हो जाए और जेन उनको छोड़ दे। फिर अपने फादर को एक इंजेक्शन लगा देता है ताकि उन्हें दर्द न हो फिर तभी ऑस्टिन को ऊपर के फ्लोर आवाज आती है तो देखने जाता है लेकिन वो बस हेल्यूसिनेट कर रहा था और अचानक ऑस्टिन को अपने फादर की आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है और उसका बैलेंस बिगड़कर वो ऊपर के फ्लोर से नीचे गिरकर मारा जाता है अब अगले दिन पुलिस वाले वहां पर आते हैं पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता है और ये बिल्कुल मूवी के पहले वाले सीन की तरह ही था वहाँ पर भी टॉमी ऑस्टिन और उसके गर्लफ्रेंड एमा की मौत के कोई भी सुराग नहीं मिल रहे थे और पुलिस वाले जेन की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे तभी पुलिस ऑफिसर बुरके जेन की बॉडी को वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी भेजने को कह देता है जहाँ पर वे लोग इस बॉडी को एग्जामिन कर पाए अब कार में बॉडी को डालकर वहाँ के लिए ले जाया जाता है और कार के रेडियो में भी वही गाना बज रहा था ओपन अप योर हार्ट तभी अचानक से जेन डो का अंगूठा हिलता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग में यह बताया गया था कि पुलिस वालों को जेन डो की बॉडी मिलती है जब जेन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो उन्हें यह पता लगा कि जेन के साथ में कोई ह्यूमन सेक्रीफाइस किया गया था जेन अपना बदला ले रही थी जो भी दर्द उसे मिला था वो इंसानों को जीते जी वो दर्द देना चाहती थी जेन मर तो चुकी थी लेकिन उसके ऊपर जो रिचुअल हुआ था उससे उसका ब्रेन एक्टिव था और उसके आसपास की एविलेंटिटी उसके आसपास के लोगों को मार डालती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि जेन कई सौ सालों से लोगों को मार रही है दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर आपको मूवी देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी मूवीज़ मिल जाएंगी तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में